अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिदायत टीवी इस्लामाबाद सेंटर से मैं हूँ आपका मेज़बान अख्तर अब्बास अमीनी। और मारिफत रमज़ान के हवाले से आज हमारा पाँचवा प्रोग्राम है, जिसमें हम माह मुबारक रमज़ान से कैसे कस्ब फैज़ करना है, कैसे हमने मुत्तकी बनना है, कैसे बारूह रमज़ान हमने अपनी ज़िंदगियों में ले आना है, और कैसे परवरदिगार की उस हिकमत तक हम पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से परवरदिगार ने इस मुबारक महीनों को हमारे लिए मुख्तस किया है। और रोज़ों के हवाले से, जैसे कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू होती रही मकासद रमज़ान के हवाले से, फ़वाइद रमज़ान के हवाले से, चाहे जिस्मानी हों या चाहे रूहानी हों, किस कदर ज़रूरी चीज़ें हैं ये। आज हमारे साथ एक बार फिर मुजफ़्फ़रगढ़ से इल्मी शख्सियत, इस्लामी स्कॉलर सैयद अरशद अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान की मारिफत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क़िबला, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके ममनून व मशकूर हैं। माह मुबारक रमज़ान के जो पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि मकासद माह रमज़ान कौन से हैं, कैसे उनको हासिल किया जा सकता है, बहार कुरान के ज़रिए से हम अपने जिस्म और रूह को कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं, और कैसे इन चीज़ों को अपनी रूह में शामिल करके बामकसद रमज़ान गुजार सकते हैं, तो जहां हम ये देखते हैं कि मकासद रमज़ान भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, वहां ये माह मुबारक रमज़ान असरात भी यकीनन हमारी ज़िंदगियों में छोड़ के जाते हैं, जो कि इज्तमाही असरात भी हो सकते हैं, इनफरादी असरात भी हो सकते हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन को माह मुबारक रमज़ान के उन इज्तमाही और इनफरादी असरात के हवाले से रोशनास कराना चाहते हैं जो माह मुबारक रमज़ान से हमें हासिल होते हैं, या माह मुबारक रमज़ान वो फैला के जाता है। जी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक और इंसान, अच्छा, इसका एक मंज़र अगर हम सामने रखें जी, तो आया ये दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इनमें एक कुछ नुकात मुश्तरक तलाश करने होंगे जी, कि माह रमज़ान मुबारक के जो फ़राइज़ हैं उनमें और इंसानी ज़िंदगी में कौन सी कदरें मुश्तरक हैं, कौन से नुकात मुश्तरक हैं। हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद समरात के एतबार से जी इंसान को बहसियत मजमू मुखातिब करता है, ठीक है, और जो इस्लामी तस्वर इंसान है वो कम अज़ कम हम ये कहते हैं कि जिस्म और रूह दोनों चीज़ें, या युहल इंसान जी, जहाँ इंसान मुराद है वहाँ रूह है, इंसान में नफ्स है, कल्ब है, रूह है, ये मुखातिबीन कुरान है ना, ठीक हो गया, तो इंसान से ही ताल्लुक़ इन सब का बनता है। रूह वो एक पावरफुल एलिमेंट है इंसान में, जो इंसान को, इस हार्डवेयर को, जिस्म को रागब भी करती है और मुतनफ़िर भी करती है, यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव भी, किसी भी अमल की तरफ तहर्रुक दिलाने का सबब यही नफ्स, यही कल्ब, यही रूह है, ठीक है, इताअत भी इसमें रख दी गई, मासीयत भी इसमें रख दी गई। और ये इसमें एक बड़ा लतीफ़ पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने इसे इंसान पर हाकिम नहीं बनाया, अक्ल है, रूह है, नफ्स है, कल्ब है, ये जितनी भी चीज़ें हैं रूह उस उन्वान से कि ये हुक्म रबी है और ज़िंदगी का जो कारखाना इसी से चल रहा है, इससे हटकर बात हो रही है, इन्हें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुआविन बनाया है। अच्छा, ठीक है, अब अक्ल बहुत बुलंद वाला चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसे इंसान के ताबे कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंसान सोचता है, गौर फिक्र करता है, उसका नफ्स उसे मगलूब कर लेता है, ठीक है, कि मैंने फलां काम करना है, मनफी काम करना है जी, अकल पहले पहल उसे समझाएगी जी कि नहीं, ठीक है, नुकसानदेह काम है जी, अंजाम बुरा है, यहाँ भी रुसवाई होगी, वहाँ भी रुसवाई होगी, ठीक है, छोड़ दो, लेकिन इंसान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, नहीं मुझे तो ये काम करना है, वो जो अकल मुखालफत कर रही थी या मुखालफत नहीं कर रही, अब खामोश हो गई, खामोश हो गई ना, मेरी बात नहीं सुनी गई, ताइद भी नहीं कर रही,
नहीं सुनी गई बात खामोश हो गई। अब इंसान ने कहा हम ये काम करेंगे हतमन, जो फैसला कर लिया, अब अकल उस फैसले के ताबे हो गई, वही अकल जो मना कर रही थी वही अकल अब उस मकसद को हासिल करने के हीले बहाने बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, ये जितने भी नेगेटिव काम हो रहे हैं या जितने भी जरायम हो रहे हैं माशरे में, क्या अकल के बगैर हो रहे हैं? सोचो विचार शामिल है, बिल्कुल अकल की मुआवनत शामिल है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जुज़ी तौर पर, मैं ये बात की एक सिर्फ तमसील के लिए कि ये मुआविन है इंसान के, अकल भी इंसान की मुआविन है, दिल भी मुआविन है, ये जितनी भी तवानाई इंसान में इंसान के मुआविन है। अब इंसान इन पर हाकिम है, इंसान पर अज़खुद उसकी रूह हाकिम है, ठीक है, ये मेरी फिजीक है, मेरा जिस्म है, मुआशरे में यही मेरी शनाख्त है। अभी मसलन बात हो, आपके हवाले से बात होगी या किसी भी हवाले से बात होगी, कहीं ऐसा चेहरा मोरा है, ऐसा रंग है, ऐसा कदकाठ है, इस किस्म के ये सब चीज़ें ये पहचान ही होगी ना, ये सारे का सारा अहम है, लेकिन ये बेशनाख्त है रूह के बगैर, ठीक है। मैं जबान रखता हूँ जी, बोल रहा हूँ जी, कान रखता हूँ सुन रहा हूँ, आंखें रखता हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, अच्छा ये सारे हाथ हैं हिल रहे हैं, पाँव हैं चल रहे हैं, सब कुछ है, रूह मुत्तसिल है इस जिस्म के साथ जी, ये आज़ा काम कर रहे हैं जो मेरी शनाख्त है, ठीक है, रूह निकल गई, ये शनाख्त है, आज़ा हैं, फंक्शनल नहीं है, ठीक हो गया, जबान है बोलती नहीं है, बेतरतीब हो गए, आंखें हैं देखते नहीं है, ठीक है, कान हैं सुनते नहीं है, हाथ हैं हिलते नहीं है, यहाँ से पता चला कि कान नहीं सुनते, ये आंखें नहीं देखती, ये जबान नहीं बोलती, अगर ये जबान ही बोलती तो जबान तो है जी, डेड बॉडी में जबान तो है, बिल्कुल है, लेकिन नहीं बोल रही ना। अच्छा, यहाँ से हम एक और सिमत में अगर कुरान मजीद की तरफ नज़र करते हैं, खुदा ताला फरमाता है कि इनके कान हैं ये सुनते नहीं हैं, ठीक है, ला यस्माउन, इनकी आँखें देखते नहीं, ठीक है, इनकी ज़बान ये बोलते नहीं हैं, इनके दिल हैं तफक्कुर नहीं करते, कहा उलाइक अल अनाम बल हुम अज़ल, कि ये सिर्फ चौपाए थोड़ा हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं, ठीक है ना, यानी उनसे भी गए गुजरे। यहाँ से हमें पता चला कि ये कान आलाए समात हैं, हार्डवेयर हैं, जो शायद सुननी है वो असल में रूह ने सुननी है जी, ठीक है ना, रूह के ज़रिए इंसान सुनता है, रूह के ज़रिए बोल रहा है, रूह वो कुव्वत है जिसके ज़रिए ये आज़ा काम कर रहे हैं, ये तमाम जिस्मानी जो फिज़िकल ऑर्गन्स हैं ये काम कर रहे हैं रूह के ज़रिए। अब जब ये जिस्म बेरूह हुआ तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही, जो ही रूह इसमें थी ये काम कर रहे थे। अब जो रूह और जिस्म का हमें ये मामला पता चल गया कि इसमें रूह इतनी अजीम होती है और उस रूह को जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली, अक्ल है और बाकी दीगर मुआवने मुआवन चीज़ें मिली, उन्होंने इंसान को सारी की सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की ना, मुआवनत मुहैया की, अब इंसान ने उससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है, अगर मुतनासिब अंदाज से और दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस्तफादा करेगा तो फ़ायदा रहेगा, अगर दिए हुए तरीक़ेकार को छोड़ देगा तो फिर नुकसान उठाएगा, अगरचे उसे फ़ायदा ही महसूस क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर जिस्मानी तौर पर बीमार हो गया, अकलमंदों ने मशवरा दिया, अपनी अकल ने भी मशवरा दिया कि जाओ मौलिज के पास जाओ, चले गए डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने कागज़ कलम उठाया और नुस्खा लिख दिया, वो नुस्खा जो है लेकर हम आ गए, उसने हिदायत भी लिख दी उसमें कि ये गोली अब सुबह दोपहर शाम लेनी है, ये सुबह शाम लेनी है, ये इस अंदाज से लेनी है, इस अंदाज से लेनी है, वो नुस्खा हम ले आए और नुस्खे को हमने जनाब तय लगा के अपने दिल के साथ जेब में रख लिया, ये कुदरती तौर पर जेब दिल की तरफ ही होती है, उसे उसमें रख लिया हम कि दिल के बड़े करीब कर लिया ना, ठीक है, नुस्खा फ़ायदा देगा नहीं देगा, डॉक्टर ने तो सही लिखा है, अब डॉक्टर के लिखने में तो गलती नहीं थी जी। अब मैंने उस नुस्खे को अपने पास भी रखा, दिल के करीब भी रखा, उसे खोल के भी पढ़ा, सुबह पढ़ लिया, दोपहर में पढ़ लिया, शाम में पढ़ लिया, उन्होंने डॉक्टर ने ये सुबह दोपहर शाम नुस्खा देखने का नहीं लिखा था, जो उन्होंने एडवाइज़ किया था उसे इस्तेमाल करने के लिए लिखा था, तो तब तक मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक मैं उस नुस्खे के मुताबिक वो अद्वियात नहीं लूँगा और उनके हिदायत के मुताबिक उसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। हिदायत के मुताबिक इस हार्डवेयर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा, ये हर सिमत में उसूल है, ये मैंने इलाज की तो मिसाल दी ना सिर्फ। अब ये जो जिस्म है, ये जो रूह है, जो दोनों मुत्तसिल होकर काम कर रहे हैं, इसको हमने किस अंदाज से फंक्शनल करना है, ये ज़िंदगी है, ठीक
ज़िंदगी अच्छी भी है, ज़िंदगी बुरी भी है। अब खुदा ताला ने जब हमें ये ज़िंदगी दी है, रूह भी दी है, जिस्म भी दिया है, तो इस रूह के लिए खुदा ताला ने कुछ हिदायत भी दी हैं इस अंदाज से इसे इस्तेमाल करने का। अब ये सवाल अपने मकाम पर बरकरार है कि रूह क्या है, इस पर इंशाल्लाह इस दौरानिए में बात कर लेंगे। अब बात यह है कि रूह के ज़रिए हमने इस जिस्म पर अमल का आगाज़ करना है। जब तक हम किसी शय की रूह को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम उसको रूहानी तौर पर अमल के वजूद में नहीं ला सकते। रमज़ान मुबारक की तरफ पलटते हैं, ये थोड़ी सी बात जो दिबाचे के तौर पर या प्रीफेस के तौर पर मैंने की, जो अगर तवील सी तमीद हो गई, वो ये कि कुरान मजीद रमज़ान मुबारक में रोज़ों का जो मकसद बताते हैं ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये जो तकवा है ये सिर्फ जिस्म का तकवा थोड़ी है, अगर यह है ज़िंदगी का तकवा, ज़िंदगी जिस्म और रूह दोनों से है, लिहाजा रूह का तकवा भी दरकार है। जब तक रूह का तकवा दरकार नहीं होगा जिस्म का तकवा फ़ायदा नहीं देगा। रूह का तकवा कैसे आएगा? आपके पास जो इल्म है वो भी बातकवा इल्म होना चाहिए, आपके पास जो अमल है वो भी बातकवा इल्म होना चाहिए, आपके पास जो सकाफत है वो भी बातकवा सकाफत होनी चाहिए, आपके पास जो तर्ज ज़िंदगी है वो भी बातकवा होना चाहिए। जब बेतकवा चीज़ें होंगी तो उनसे आप मकासद हासिल कर ही नहीं सकते। एक हार्डवेयर है, ये चाकू है जी, ठीक है जी, ये पिस्तौल है जी, ये हार्डवेयर है ना, ये जनाब नुकसानदेह हैं, ये दहशतगर्दी फैलती है जनाब इनसे, ठीक है मान लिया भाई, दुरुस्त है, हम बहस थोड़ा करते हैं, मान लिया जनाब। अब अगर ये बंदूक है जी किसी ऐसे हाथ में हो जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तो फिर ये हक का दिफा करेगा या हक के खिलाफ इस्तेमाल होगा? हक का दिफा करेगा। अगर ये किसी बद किरदार के हाथ में हो, दहशत की बजाय दिफा का एक एहसास पैदा होगा। अब ये किसका असर है? हार्डवेयर का नहीं, उस सॉफ्टवेयर का तो जिसके पुश्त पर है। कुरान जब ये कहता है ना कि हमें तकवा दरकार है, सिर्फ जिस्मानी तकवा दरकार नहीं है, रूहानी तकवा दरकार है, दिलों का तकवा दरकार है। खुदा ने खुद कहा कि तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खून थोड़ा अल्लाह तक पहुंचता है, नहीं वो दिलों का तकवा जो पहुंचता है। वो दिलों का तकवा क्या है, ठीक है ना? दिलों का तकवा बड़ी वाज़ह सी बात है कि अगर एक जुमले में इंसान समझना चाहे और कहना चाहे तो दिलों का तकवा ये कि दिल हर लम्हे ऐसी हालत में हो कि हुजूरी खुदा में है, खुदा की हुजूरी का तसव्वुर। वैसे हर इंसान समझता है कि जनाब हमारे सारे अमाल खुदा के सामने है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है, दुरुस्त से छुपी नहीं है, वो खुदा से छुपी हुई नहीं है, हमें ये एहसास तो हो। ये मिसाल के तौर पर आप अफराद यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी साहब हो, ये तन्हा हो जाए कमरे में और बाकी सब लोग बाहर चले जाएँ तो बिल्कुल इजी होकर बैठे होंगे ना जी। लेकिन जो ही कोई शख्स दाखिल होगा उधर अपने आप को संभाल लेंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, भले पहले दुरुस्त बैठे हैं लेकिन फिर भी मजीद दुरुस्त हो जाएंगे ना, क्यों? अब दूसरा आगे देख रहा है। ये देखने का तसव्वुर है ना, इंसान को इर्तका की तरफ ले जाता है, उसकी कैफियत को बदल देता है, बुराई से भलाई की तरफ ले जाता है, भलाई से मजीद भलाई की तरफ ले जाता है। और अगर यही देखने वाला तसव्वुर के जनाब खुदा मुझे देख रहा है, यानी कि मेरा हर अमल हुजूर खुदा में, और यकीनन खुदा देख रहा है, लेकिन अपने आप को एहसास दिलाना कि मेरा ये अमल खुदा देख रहा है। अव्वल तो बल्कि बहुत खूबसूरत हदीस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने जनाब अबू ज़र से फरमाया था कि अबू ज़र जो भी अमल करो, और यही हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी है, जो भी अमल करो तुम्हारे जहन में ये हो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। अब ये जो है ना, मैं खुदा को देख रहा हूँ, ये इधर का इर्तका है, मेरी ज़ात का इर्तका है, मेरी फिक्र और मेरी रूह, मेरे इल्म का इर्तका है, मेरे अमल का इर्तका है ना। और ये खुदा देख रहा है, ये तो हकीकी कैफियत है कि अगर कोई शख्स ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कहता है खुदा नहीं देख रहा, तो फिर उसके इस्लाम के बारे में सोचना पड़ेगा भी किस हद का इस्लाम है। ये मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है, जितने काम हुज़ूरी खुदा में होंगे वही बातकवा होंगे। अब ये जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा है, और इंफरादी असरात, ठीक है जी, ये हमें बताता है कि देखो खुदा ने खुद कहा कि असौम अली व अना अजज़ी बिही जी, रोज़ा मेरे लिए और मैं इसी का अजर देने वाला, और कहीं कहा कि व अना नजज़ी बिही कि मैं ही इसका अजर हूँ, कहीं का मैं अजर दूंगा, दोनों भी देख लें तो ये हो गया कि जनाब ये हो गया। अब नमाज भी अल्लाह के लिए जी, हर चीज़ अल्लाह ने रोज़े को क्यों कहा है? ठीक है,
ठीक है ना, रोजे को ही क्यों कहा ये मेरे लिए है, हज भी तो अल्लाह के लिए है ना। आप जो भी नेक काम हम करते हैं कुर्बत अल्लाह करते हैं ना, खुदा के लिए करते हैं। खुदा ने हज को नहीं कहा कि मेरे लिए, नमाज को नहीं कहा कि मेरे लिए, नमाज इनके बहुत मुतबरक चीज़ है, सबसे ज्यादा जिक्र जैसी बात का कुरान, कहा कि रोज़ा मेरे लिए है, कहा कि मेरे लिए रोज़ा। अच्छा, रोज़े में अल्लाह ताला ने बउनवान रोज़ा कोई और ऐसी इबादत रखी नहीं है। अगर आपने इनके एक शर्त पूरी कर ली ना, वो एक ही शर्त है ना कि आपने जनाब नहीं खाना पीना और ये चंद एक जो काम है नहीं करने, आपको रोज़ा होगा कुछ बाकी नहीं भी करते तो रोज़ा आपका। खुदा ने कहा मेरे लिए है रोज़ा, मेरे लिए है, मैं इसकी जजा हूँ। अच्छा, किस इंसान पर है ना, इंसान का जिस्म किसके लिए है, अल्लाह के लिए, रूह किसके लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह को कुछ भी नहीं चाहिए, वो गनी भी ज़ात है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए ना। वो क्यों कह रहा है कि मेरे लिए है, वो फकत इसलिए कह रहा है कि ये देखो ये जो मेरा कुंबा है ना, ये मुआशरा इंसानी, ये जो मखलूक है, ये जो तुमसे मुंसलिक अफराद हैं, इंसान हैं, हद तक जानवर भी जितने तुमसे मुंसलिक हैं, ये सब मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे ही हुक्म से बने हैं ना, और मैंने ही बनाए हैं। मैंने सिर्फ ये देखना है कि जब तुम्हारे ये रोज़े के दरमियान के आमाल मेरे लिए होंगे ना, तो मेरी इस मखलूक के साथ कैसा सलूक करते हो। अब वहाँ जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर सलूक होगा। आप सोचते क्या हो इनके बारे में, आप रिएक्ट क्या करते हो इनके साथ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यानी कि आपकी फिक्र और है और आपका अमल और है जी। जो जहाँ ये सूरत हाल होगी तो फिर वो अमल काबिल कबूल नहीं होता ना। और जैसे हम अगरचे लफ्ज मुनाफ़िकत या दोरंगी हो जाएगा ना, जब दिल में कुछ और अगरचे यानी कि मुनाफ़िकत इस चीज़ का नाम नहीं है कि दिल में कुछ और अमल में और। क्यों? क्योंकि अगर मुनाफ़िकत उस चीज़ का नाम है कि दिल में बुराई हो, इजहार अच्छाई में हो, ये मुनाफ़िकत है। दिल में अच्छाई है कैफियत मुख्तलिफ है। मैं आपको याद होगा कि इस्लाम की पहली शहीदा जी जनाब सुमैया, और जो पहले शहीद थे उनके शौहर जनाब सुमैया के शौहर, उनका बड़ा तवील सा वाक्य है कि जिस वक्त अबू जहल उन्हें ज़द्दोजहद कर रहा था तो यासिर को भी कत्ल कर दिया, सुमैया को भी कत्ल कर दिया, और उनसे ये की था कि भाई अहद अहद का जो तुम नारे लगा रहे हो ना, ये ना लगाओ, खुदा की वहदानियत का गीत ना गाओ, खुदा के गुण ना गाओ, छोड़ दो। उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है, और जनाब दोनों शहीद हो गए, उनके फर्जंद जनाब हमारे यासिर वो वहीं ठहरे थे। वो फिर उन दोनों को शहीद करने के बाद उनकी तरफ पलटा, कोई ये अहद अहद आदना को खुला नहीं कहता, नहीं कहा। लोग देख तो रहे थे ना जी, आए बार गए पैगंबर में, जनाब वो तो अम्मार ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ़ फरमाया, अम्मार आगे तो पूछा कि अम्मार ऐसे ऐसे कहते हैं, यार रसूलल्लाह कहा, दिल की क्या कैफियत थी, कहा वो नूर ईमान से मुनव्वर था, कहा वो एहसनुल ईमान, ईमान की बेहतरीन सतह है। नहीं, दिल में ईमान हो, इजहार अगर कुफर की सूरत में हो रहा है यानी कि वक्त की मजबूरी के तहत, तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो कही है असबात दिल में है, नफ़ी में इजहार हो रहा है, उसको बुरा नहीं कहा। दिल में नफ़ी है, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ लिया, उसे मुनाफ़िक़ कहा गया ना। तो बात यह है, ये जो दोरंगी है ना, ये खुदा को पसंद नहीं है। और जितने भी अफ़ाल हैं इस्लाम ने नाफिज किए हैं, आमाल हैं, सब में ये चीज़ यकरंगी हो, दो चीज़ें ना हो, एक ही चीज़ हो। अब ये जो जिस्म और रूह के इत्तेसाल से ज़िंदगी बनी ना, ये अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए, मैं इसकी जजा हूँ, तो इन दोनों को एक करेंगे तो सामने आएगी जी। अब अमूमन हमारे हाँ ऐसे ही होते हैं, कुछ दीनदार हो गए, कुछ दुनियादार हो गए, कुछ इधर का कुछ। आप एक बात ज़हन में रखिए, इस्लाम में बुफे सिस्टम नहीं है। सुभान अल्लाह, ठीक है, इस्लाम में तो है इदखुलु फिस्सिल्म काफ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जो पसंद का इस्लाम नहीं, पसंद का इस्लाम न लो, इस्लाम को पसंद बनाओ। सुभान अल्लाह, बुनियादी उसूल है।
जो इस्लाम कह रहा है उसे पसंद करो जी। अपनी पसंद को इस्लाम का नाम न दो। ये हमारे जितने भी माशरे में मनफी चीज़ें हैं और जितने भी मामला हैं इसी बिना पर ये क्यों नहीं है? अब बात उसी बात की तरफ पलटते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक हुस्न ये है कि इसकी बात को जितना फैलाओ ये फैलती जाएगी, ठीक है ना। अब हमें समेटना है क्योंकि प्रोग्राम के अपने तकाजे होते हैं। रूह जो है जब वो उस अमल में जिस्म की शरीक नहीं होगी, असरात मुरतब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बेरूह ना दिल खुदा को चाहिए, ठीक है, ना आँखें खुदा को चाहिए, ना कान चाहिए, ना बेरूह अमल चाहिए, ठीक है ना। तो रूह का अमल तब होगा कि जिस वक्त हम रूह को साथ इस अमल में शरीक करेंगे। जैसे जिस्म को ताकत मिलती है खा के, रूह को ताकत मिलती है खिला के, ठीक है, ठीक है ना। जिस्म ताकतवर होता है जब पेट भरा हुआ हो, रूह ताकतवर होती है जब पेट खाली हो, ठीक है। जिस्म आराम पाता है कि जब रात में इंसान सो रहा हो, रूह आराम पाती है जब इंसान रात में जाग रहा हो, ठीक है। जिस्म परवरिश पाता है कि जब इंसान दूसरों से अलग थलग होके बिनबास ले ले, अलग हो जाए इंसानों से, कट जाए इंसानों से। रूह तकवीत पाती है जब वो इंसानों के साथ शामिल हो जाए, इज्तिमा में आ जाए। दोनों तजादात नहीं रखते, बल्कि वो मकसदियत रखती है, रूह मकसदियत रखती है। रूह को रोजे में कैसे शामिल करें? हमने कहा कि जनाब रूह ताकतवर होती है खिला के। हम देखेंगे, हमने रोज़ा रखा, हमने खुद भी कुछ नहीं खाना, तो किसी को खाने के लिए भी नहीं देना, ठीक है। अगर से ये बड़ा मुश्किल और नाजुक सा मरहला है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। खुदा रिलैक्स करता है ना, ठीक है, इनको मरीजन वाला सफरिन और इद्दत अय्याम अखर, ठीक है, जो में से जो मरीज हो या सफर में हो, दिनों में रख ले। अच्छा, इसे रिलैक्स कर दिया ना जी। अब मेरे पास मरीज है जी। मैं इतना सख्त हो गया, इतना बकौल शख्स से मुत्तकी हो गया कि नहीं इसे बिल्कुल खाने को नहीं देना। खुदा रिलैक्स कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं उसे रिलैक्स नहीं कर रहा तो मैं खुदा की इताअत में नहीं हूँ ना। खुदा से ज़्यादा लोगों के लिए सख्त नहीं होना, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ, खुदा ने इजाज़त दी है, रिलैक्स किया, रिलैक्स कर दो। अच्छा, सफ़र में है जी, ये मुसाफिर है, नहीं रखा रोज़ा, उसे खुदा ने रिलैक्स किया, मैं भी रिलैक्स करूँ। नहीं भी आप ठीक है, मेहमान आए, हम रमज़ान शरीफ में कुछ नहीं खिलाते, क्यों भाई? मेहमान आया है ना, वो जो मेहमान की पज़ीराई का हुक्म है वो तो साकित नहीं हुआ ना। नहीं, आप उसको किसने कह दिया कि आप भी खाएँ? मेहमान को खिलाएँ, उसका रोज़ा नहीं है ना। जितना उसके लिए ज़रूरी उतना तो खिला दें ना। अब ये दूसरा पहलू है, वो जो जिसने किसी उज़र की बिना पर रोज़ा नहीं रखा, तो वो भी फिर उस रोज़ा न रखने के मकसद को सिर्फ खाना पीना ना बना ले ना। ये एक मुआशरती काम का इनकी इर्तका और बुनियाद डल रही है ना। करिए यूँ कह लीजिए कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप हो रहा है इसी फिक्र से। देखें, आपने एहसास है बुनियादी तौर पर रोज़ा कि अपने काम की, अपने अमल की हुजूरी खुदा में एहसास कि मेरा हर काम अल्लाह के हुजूर में है। रूह इसमें शामिल तब होगी जब हम रूह की जो साख्त परदाख्त है ना जी, उस तक अपनी नज़र को ले जाएंगे कि रूह कैसे बनी है। जिस्म की ज़रूरियात हमें पता चली जब हमें पता चला कि जिस्म फलां चीज़ों से बना है, इसका इर्तका भी फलां चीज़ों से है और इसकी तकवीत भी फलां फलां अशिया के इस्तेमाल से। रूह की हैयत तरकीबी के हवाले से जो कुछ उलमा ने लिखा है, जो बताया है, जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं करेंगे तब तक हम रूह की बारीकियों तक नहीं पहुँच सकते। रोज़े के समरात हमें मिलने हैं जिस्म और रूह दोनों के साथ। जिस्मानी असरात रोज़ादार को मिलने हैं, रूहानी असरात से पूरा मुआशरा फ़ायदा उठाएगा, पूरा घर फ़ायदा उठाएगा। यानी यूँ कह लीजिए कि जिस्म मेरा मेरे लिए और मेरी रूह सब के लिए। सुभान सुभान। अब तो जो मेरा ज़ाती अमल है वो मेरे लिए है, मेरा अमल रूहानी उस वक्त बनेगा जब वो सब के लिए हो जाएगा। अब यानी एक ही अमल है, इंफरादियत भी उसमें पाई जा रही है, इज्तिमाईयत भी पाई जा रही है, इज्तिमाईयत भी पाई जा रही है। मसलन आप खुश अखलाक से बात करते हैं, ये मिसाल के तौर पर मैं एक बद अखलाक इंसान हूँ, आप खुश अखलाकी से बात कर रहे हैं तो लोग आपके बारे में कहेंगे ना कि आप खुश अखलाक हैं, मेरे बारे में तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन क्या आपकी खुश अखलाकी मुझे नहीं मजबूर करेगी कि मैं अपनी बदअखलाकी को दूर कर दूं और आपसे अच्छी तरह बात करूं? उस खुश अखलाकी ने जो आपका वस्फ था, आपकी सिफत थी, मुझ पर भी असरात डाले। जब हम अच्छाई बिखेरेंगे
तो फिर वो अच्छाई फैलेगी। अच्छाई खुशबू की मानिंद होती है, आप खुशबूदार फूल के साथ गुजर जाएं आपके दामन में खुशबू आ जाएगी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे खुशबू फैलती जाएगी। इखलाक में यही तो वस्फ है, इखलाक हसना में। आज खुद हमारे ना इखलाक हम कहते हैं ये बा इखलाक है, हर इंसान बा इखलाक है। अब देखना है कि वो अखलाक हसना है या अखलाक सैया है, ठीक है ना, वो कौन सा इखलाक है। तो लिहाजा इंसान को इखलाक वाला होना चाहिए, इखलाक हसना वाला होना चाहिए, अच्छाइयों वाला। रमज़ान मुबारक हमारे अखलाक को भी अच्छाइयों वाला बनाता है, हमारे अमल को भी अच्छाइयों वाला बनाता है, हमारे जिस्म को भी अच्छाइयों वाला बना देता है। रूहानी तौर पर अच्छाइयों वाला तब बनाएगा जब हम रूह की साख्त पर्दाख्त के बारे में मालूमात रखते होंगे कि रूह कैसे असरअंदाज हम पर होती है और हम कैसे रूह पर असरअंदाज होते हैं। माशाल्लाह की वाला इंफरादी और इज्तमाही असरात के बारे में माह मुबारक रमज़ान की जिस्मानी और रूहानी तरबियत, ये कब हम मुअय्यन है, इसके हवाले से वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, रुकावटें हैं, कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनकी वजह से वो रूह उस जिस्म पर उस तरह से हकमियत नहीं कर पा रही होती जिस तरह से करनी चाहिए, और वो असरात ना ज़ात तक पहुंच सकते हैं ना ही इज्तमाईयत यानी माशरे तक पहुंच सकते हैं। इसमें मैं एक साइंसी मिसाल से मदद हासिल करना चाहूँगा। न्यूटन के जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, उनमें से एक ये है कि जो चीज़ हरकत में है वो मुसलसल हरकत में रहेगी, यहाँ तक कि उसकी राह में कुछ रुकावटें, रगड़ की कुवत है, हवा है, ये दिया जाए, जब ये रुकावटें आती हैं तो फिर वो उसूल बरकरार रहते हुए भी अमल में नहीं आ रहा ना, वो चीज़ मुसलसल मुतहरक नहीं रह रही। वो रुकावटें होती हैं जो किसी एक फेंकी हुई बॉल को ना गोल तक नहीं पहुंचने देती ना, यानी कि एक अमल को मकसद तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, अगर हम इस लैंग्वेज में बात करें। रुकावटें हैं, तो रुकावटें कौन सी हैं? इस्लाम ने अगर आप इखलाकियात के शोबे में वारिद हों तो अगरचे ये हमारी इस्लाम फहमी का नक्स है कि हमने मकासद को इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, जब तक मकसद सामने नहीं होगा आपकी हरकत उस सिमत में नहीं होगी, ऐसे ही, ठीक है ना। आप देखिए हमारा वतन है जी, और ये हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है, इसमें यानी कि आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी बस्ती है उसमें भी चार चार पांच पांच मसाजिद हैं, रमजान मुबारक होगा और तमाम मसाजिद सहर अफ्तार के वक्त भर जाएंगी कभी, यानी कि यूँ कह लीजिए कि मैं एक देहात में गया तो बहुत बड़ी मस्जिद थी और नमाज में चार या पांच अफराद थे। पूछा कि जनाब ये चार पांच अफराद हैं तो आपने फिर इतनी वसी मस्जिद को बना दी, कि जनाब ये रमज़ान मुबारक में भर जाती है, और वाकईतन ऐसा होना भी चाहिए, कोई मसला नहीं है, नमाज बहुत बड़ा अमल है, लेकिन क्या है, खुदा ने मकसद बयान किया, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, नमाज इसलिए है कि ये तुम्हें बुराइयों से भी रोकेगी और बुरी बातों से भी रोकेगी, फाशा से भी और मुनकरा से भी रोकेगी। अगर नहीं रोक रही तो नमाज अमल तो है, एक्सरसाइज तो है, बेरूह है, जो समरात हासिल नहीं कर रही ना। अब देखिए जमीन है, आपने बीज डाल दिया, फसल अच्छी नहीं हुई, या उस मौसम का बीज डाला जिसका मौसम ही नहीं, ठीक, वो जनाब चले वो भी हमने देख लिया, वो तो ऐसा हुआ ना कि जनाब मौसमी उसका वक्त था ही नहीं जी। वक्त भी था, ठीक है, ठीक है, डाल दिया, फसल नहीं हुई, गए जनाब एक्सपर्ट के पास, उन्होंने कहा इस जमीन में फला फला चीज़ों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स दें इसमें जी, इसमें ताकत के लिए कलर डालें, खाद डालें, फला, ये बहुत सारी चीज़ें जिस शोबे में ये देंगे, जब ये ज़मीनी सतह पर आएगी तो फिर ये आपको समरावर साबित होगी, तब फल लगेगा, तब फसल होगी, फसल भी लगी, फसल वो फल नहीं उठा रही ना, फिर फसल के लिए अदवियात हो जाएंगी ना, लेकिन हर मरहले पर ये सारे मैं ये कहता हूँ ये है ना, उसे ग़िज़ा देना, उसको स्प्रे करना, इंसानी ज़िंदगी में इसे कह लें तरबियत, ठीक है ना, अमल के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, और सिर्फ नमाज पूरे मुआशरे को मुतग़य्यर कर सकती है, अच्छा,
आप सिर्फ नमाज के जरिए पूरे मुआशरे को बदल सकते हैं अगर इसे बासमर बना लें। खुदा ने कहा इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, ये बुरी बातों से और फोशा से रोकती है। अब नहीं रोक रही, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ चोरी भी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ जेब भी काट रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ गीबत भी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ दूसरे के लिए बुरा भी सोच रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्यों, अब जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ नमाज के मकासद हासिल नहीं कर रहा, मुआशरा फसाद का शिकार है। आज अगर हम नमाज को मफादात को समझ लें जिनसे मुआशरा मुस्तफीद होता है तो वही नमाज फ़ायदेमंद हो जाएगी। इसी तरह रोज़ा अमल है, हम इस रोज़े के अमल में वारिद हैं, ये मुआशरे के लिए समारावर क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक शुरू होता है महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है ना जी। रमज़ान मुबारक शुरू होता है फ़कीरों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मुआशरा तो वही है जी। पहले भी फ़कीर वही थे जी। अब क्यों बढ़ गए भाई? इस मुराद क्या है कि रमज़ान मुबारक को हमने जिस तरह कुरान ने चाहा वैसे कबूल नहीं किया, ठीक है। कुरान कह रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, अगर हम तकवा के हुसूल के लिए रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करें तो हमारी कैफियत लेने वाले की नहीं होगी, देने वाले की होगी, ठीक है ना भाई। झूठ के बगैर तो गुजारा नहीं है, हमारे मशरिक ये एक उसूल बन गया ना। नहीं, झूठ के बगैर तो गुजारा नहीं, झूठ के बगैर तो आप अपना हक हासिल कर ही नहीं सकते मेरे भाई, वो हक होता ही नहीं झूठ के जरिए हासिल हो। आपसे किसने कह दिया कि आप अपना हक हासिल नहीं कर सकते झूठ के बगैर? भाई जो झूठ से हासिल होगा वो हक तो नहीं होगा ना। तो अब इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में इसके इज्तमाई असरात जो हैं तब हासिल होंगे जब उन रुकावटों को हम दूर करेंगे। मिसाल के तौर पर तकवा में जो सबसे पहली चीज़ है इंसान का खुश अखलाक होना। अच्छा, अगर इंसान बद अखलाक हो तो क्या खुश अखलाकी हो सकती है? अगर खुश अखलाक होना है तो बद अखलाकी से रुकना होगा। अच्छा, रोज़ा जो रुकने वाली शय का नाम है ना, तो मैं बद अखलाकी से रुक जाऊँ? इसी एक मिसाल को सामने रखते हुए आप अपने जहन को आगे ले जाइए, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इस पर और भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अल्लाह साहब ने वाज़े किया है इन चीज़ों को, खुसूसन इज्तमाई और इंफरादी असरात जो रोज़ेदार के लिए माह मुबारक रमज़ान में फ़ैयूज़ व बरकात हासिल की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके वजाहत के पॉइंट्स हम आपके गोश गुजार करेंगे। इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको हम मज़ीद अच्छी और कीमती और फ़ायदेमंद गुफ्तगू आपके इंशाल्लाह समर आवर जहनों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। परवरदिगार हम सब को सलामत रखे और माह मुबारक रमज़ान से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। नमस्कार।